मनोहर लाल आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2:15 पर चंडीगढ़ में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है, तो जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी शपथ लेंगे। तो मनोहर सरकार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि जेजेपी और निर्दलीय के साथ मिलकर बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, जेजेपी को 10 सीटें मिली है, तो वही 7 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सिमनोलाल एक बार फिर से सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है शपथ यहां पर लेंगे। उनकी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी में इस गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर रहेगी। जो साझेदारी यहां पर सरकार में रहेगी उसी समर्थन दिया जाएगा, और यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है। और आज जो है जेजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने जा रही, तमाम तैयारियां। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे सीएम मनोहर लाल। बताया जा रहा है कि 2:15 पर शपथ ग्रहण जो है सीएम मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, तो जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो आपको बता दें कि जहां जेजेपी के पास 10 सीटें उनके खाते में आई थी, तो वहीं बीजेपी के पास 44 सीटें थी, और ऐसे में जो बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया था, और समीकरण जो है वो कई तरह के निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब तमाम कयासों, तमाम अटकलों पर विराम लगते हुए जेजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने जा रही है। कल दावा यहां पर ठोक दिया गया था, राज्यपाल से मुलाकात यहां पर की गई थी, और आज शपथ जो है सीएम के तौर पर एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल लेंगे बीजेपी की तरफ से, और तो वहीं जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम। तो सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम की जो जिम्मेदारी है वो यहां पर दी गई है, और कहीं ना कहीं इस सरकार में अपनी साझेदारी का जिस तरह से उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, वो यहां पर उस भूमिका को निभाते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि बेटे की ताजपोशी से पहले ही अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, और बताया जा रहा है कि दोपहर 2:15 पर शपथ लेंगे सीएम मनोहर लाल। और तो मनोहर लाल के संभावित जो मंत्रिमंडल है वो आपको हम ग्राफ से पॉइंटर्स के जरिए समझा रहे हैं। तो सीमा त्रिखा विधायक का बड़कल से, तो वहीं विश्वंबर वाल्की वाल्मीकि जो है वो भवानी खेड़ा से विधायक है। मनोहर लाल विधायक का करनाल से, जिन्होंने पहले भी इसी तरह से चुनाव जीता था, और एक बार फिर से भरोसा यहाँ पर से मनोहर लाल पर लोगों ने जताया है। और एक सीएम के पद पर एक बार फिर से प्रदेश की कमान से मनोहर लाल को, डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत चौटाला शपथ लेंगे। तो आपको ये संभावित मंत्रिमंडल के हम पॉइंटर्स दिखा रहे हैं किस तरह से मनोहर लाल का जो संभावित मंत्रिमंडल होगा। तो दीपक मंगला पलवल से विधायक हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह, संभावित मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हिसार की बात करें तो कमल गुप्ता विधायक, इनको संभावित स्पीकर जो है उनके नाम यहां पर सामने आ रहे। तो ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक, तो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे थे संभावित स्पीकर के नाम।